लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सामने के केव से कुछ फ्लेम्स बाहर निकलने लगती है, जिसे देखकर ये आदमी तुरंत ही इस केव के अंदर चला जाता है। तब मास्टर वेली कहता है कि मेरे ख्याल से हमें भी अंदर चलना चाहिए, जिस पर किंग्यू कहता है कि नहीं रुकिए, अभी टाइम नहीं हुआ है। और फिर किंग्यू अपने पास में से कुछ ग्रेप्स निकालते हुए कहता है कि चलिए अंदर चलने से पहले कुछ मीठा हो जाए। तब ये देखिए ये लड़का कहता है कि क्या वो आदमी हम लोगों से पहले डूम फ्लेम को अचीव कर लेगा, और आप है कि अभी आपको खाने की सूझ रही है। जिस पर मास्टर वेली इन ग्रेप्स को लेते हुए कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मिस्टर ली कैंग ने ये कुछ सोच समझ के ही किया होगा, इसीलिए मेरे ख्याल से तुम्हें भी सब कुछ भूल के ये ग्रेप्स खाने चाहिए। तब ये लड़का कहता है कि क्या ग्रैंडपा आप भी। जिस पर मास्टर वेली कहते हैं कि मिस्टर ली कैंग को चीजों के बारे में हमसे ज्यादा नॉलेज है, इसीलिए अगर वो कुछ कर रहे हैं तो हमें भी उनका सपोर्ट करना चाहिए। तब ये लड़का कहता है कि छोड़िए, जाने दीजिए, मुझे अभी अंगूर नहीं खाने। और अब किंग्यू कहता है कि चूंकि डूम्सडे फायर पूरी तरीके से स्वतंत्र है, इसीलिए वो एक ह्यूमन बींग की तरह अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकता है, लेकिन चूंकि डूम्सडे फायर एक्सीडेंटली प्रोड्यूस होता है, इसीलिए जनरली उसका बिहेवियर इविल की तरह होता है। और जो लोग अभी तुरंत ही डूम्सडे फायर को स्वेलो करने की कोशिश करेंगे वो उसके इल्यूजन में फंस के मारे जाएंगे, इसीलिए हमें थोड़ी देर बाहर ही रह के उसके पूरी तरीके से प्रोड्यूस होने का वेट करना है। तब ये सब सुन के मास्टर वेली कहता है कि मैं पहले ही जानता था कि मिस्टर ली कैंग बेवजह किसी भी चीज को नहीं कहते हैं, उनके हर फैसले में कोई ना कोई रीजन छुपा हुआ होता है। जिस पर यह लड़का कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप इतने बड़े अल्केमिस्ट होने के बावजूद भी मिस्टर ली कैंग की बातों को तब से फॉलो किए जा रहे हैं। तब कुछ देर के बाद किंग्यू कहता है कि ठीक है चलो, अब मुहूर्त हो चुका है, अब हम लोग भी इस केव में एंटर कर सकते हैं। जिसे सुन के ये लड़का अपने मन में कहता है कि पता नहीं क्यों अब मुझे मिस्टर ली कैंग के ऊपर डाउट होने लगा है। जिसके बाद हम केव के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे लोगों को डूम्सडे फायर ने कंट्रोल किया था, और अब अंदर के नजारे को देखकर मास्टर वेली अंदर से हिल जाते हैं। और फिर वो किंग्यू से कहता है कि मेरे ख्याल से आपने जैसा कहा था, ये फ्लेम बहुत ही ज्यादा इविल लग रहा है। तब किंग इसने इस केव में चारों तरफ अपनी इल्यूजन को फैला रखा था, जिसकी वजह से हर कोई बहुत ही प्यार से इसके पास आके मर रहा था, और ये भी पूरी मजे ले लेके सबको अपने कंट्रोल में करके मार रही थी। और इसे ऐसा करता हुआ किंग्यू भी देख लेता है, जिस पर अब किंग्यू कहता है कि डूम फ्लेम ये सब करना बंद करो। तब ये लड़की बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहती है कि मेरे पास आओ, क्या तुम मेरे फ्लेम्स को स्वेलो नहीं करना चाहते। और फिर ये लड़की कहती है कि चूंकि तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो, इसीलिए अगर तुम मुझे अच्छे से सर्व करो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकती हूँ। जिस पर किंग्यू कहता है कि तुम उस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हें सर्व करूँ, इसीलिए अगर अपनी जान की खैरियत चाहती हो तो फिर मेरे आगे सरेंडर कर दो। तब डूम फ्लेम कहती है कि बच्चे, मैंने तुम्हें अपनी जान बचाने का एक मौका दिया, लेकिन यहाँ पे मौजूद सारे लोगों की तरह तुम भी मरोगे। और अब ये आदमी मौका देख के अपने पास में से एक स्क्रोल को निकालता है और फिर डूम फ्लेम को इसमें सफरेस करने की कोशिश करने लगता है। तब ये देखकर मास्टर वेली कहते हैं कि तुम सारे अल्केमिस्ट की इज्जत मिट्टी में मिला दोगे, क्योंकि इतने हाई ग्रेड के अल्केमिस्ट होने के बावजूद भी क्या तुम्हें ये नहीं पता कि डूम फ्लेम को किसी स्क्रोल में सफरेस करना ये लगभग इम्पॉसिबल है। जिस पर ये आदमी कहता है कि वेली, ये कोई आम स्क्रोल नहीं है, ये मेरे रॉयल फैमिली का सबसे बेस्ट एंशिएंट स्क्रोल है, जिसे ना जाने मेरे बाप दादाओं ने कितने फ्लेम्स को सफरेस किया था। तब ये सुन के डूम फ्लेम हंसते हुए कहती है कि मानना पड़ेगा ह्यूमंस में कभी भी नमूनों की कमी नहीं हो सकती, और इतना कह के डूम ह्यूमन तो मुझे टच भी नहीं कर सकता। जिस पर किंग्यू कहता है कि तुम्हें ये सब जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, और इतना कह के किंग्यू इस फ्लेम के एक हिस्से को स्वेलो कर लेता है। तब इस फ्लेम का दूसरा हिस्सा बहुत ही ज्यादा डरते हुए कहती है कि प्लीज मुझे फ्री कर दो, अगर तुमने मेरे इस हिस्से को भी स्वेलो कर लिया तो मैं पूरी तरह लड़के को जल्दी से अब खत्म कर दो। जिस पर अब इतना सुनते ही जायंट मॉन्स्टर भी एक बार फिर से अपने एक पावरफुल मूव के साथ किंग्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी ये लड़का आगे आते हुए कहता है कि भूलो मत, मैं भी अभी यहीं पे हूँ, और मेरे होते हुए तुम मिस्टर ली कैंग को टच भी नहीं कर सकते। तब ये जायंट मॉन्स्टर अपने मैक्सिमम पावर को अपेयर करते हुए कहता है कि बच्चे, अगर तुम्हें भी मरना ही है तो मैं तुम्हारे ऊपर भी दया नहीं दिखाऊंगा। जिस पर ये लड़का कहता है कि आखिर इसकी बॉडी में अभी और कितनी पावर बची होगी। और फिर यहाँ पे इन दोनों की एक अच्छी खासी फाइट शुरू हो जाती है, जिस पर तभी किंग्यू के हार्ट में फिर से कुछ होने लगता है। तब किंग्यू अपने मन में कहता है कि मेरा ये हार्ट डूम फ्लेम की वजह से बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया है, लेकिन अजीब बात यह है कि ये उतनी ही तेजी से खुद को रिकवर भी कर रहा है, और ऐसा तो मेरे साथ प्रीवियस लाइफ में भी नहीं होता था। और अब तभी किंग्यू के बॉडी से एक बहुत ही टेरिफाइंग रेड एनर्जी बाहर निकलती है, जिसे देखकर सारे लोग बहुत ही ज्यादा शॉक होते हुए कहते हैं कि क्या एक डूम फ्लेम है। और अब ये एनर्जी उसके से भी बाहर निकलने लगती है, जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम एक दूसरे पैलेस को देखते थे। और अगर उन दिनों उनके अपनों ने उन्हें धोखा नहीं दिया होता तो अभी तक तो एक गॉड के पोजीशन को भी अचीव कर चुके होते। जिस पर ये बल्क एल्केमिस्ट कहता है कि लेकिन अफसोस सब वो हमारे बीच नहीं है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।